हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश मुक्तान फ्रॉम काठमांडू नेपाल से। ये व्हीकल है हमारा महिंद्रा का बोलेरो मैक्सी ट्रक। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या है बताओ तो। ये सर्विसिंग करने के बाद में ये व्हीकल स्टार्ट नहीं ले रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम है। सर्विसिंग करने से पहले व्हीकल का कंडीशन सब कुछ ठीक ठाक था, अच्छा से स्टार्ट हो रहा था और पिकअप माइलेज वगैरह सब कुछ अच्छा था। लेकिन जब सर्विसिंग हो गया उसके बाद में स्टार्टिंग करने के टाइम में स्टार्टिंग नहीं ले रहा है। ठीक है, इसमें हमारा पीछे का फ्यूल टैंक का फ्यूल प्रेशर भी प्रॉपर ओके है। ठीक है, एक बार आप लोग का दिखाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एयर ब्लीडिंग वगैरह सब कर दिया है, लेकिन इंजेक्टर से भी हम पूरा एयर ब्लीड कर दिया। देख रहा ना, इग्निशन ऑन करने के बाद में इंजेक्टर में भी इतना प्रेशर से फ्यूल आ रहा है। ठीक है, हमारा फ्यूल पंप का प्रेशर प्रॉपर ओके है। सर्विसिंग करने के बाद में इधर फ्यूल फिल्टर असेंबली से भी एयर ब्लीड कर दिया है एंड इंजेक्टर से भी एयर ब्लीड कर दिया, फिर भी ये व्हीकल स्टार्ट नहीं ले रहा है। चलिए, सिम्टम कैसा है वो आप लोग को पहले दिखाऊंगा। इधर हमने स्कैनर भी लगा चुका है, स्कैनर में कोई भी फॉल्ट कोड नहीं है। इसमें एक फॉल्ट कोड आ रहा है वो सिग्नल रेंज चेक फॉर फ्यूल टेम्परेचर सेंसर अबव मैक्सिमम लिमिट बोल रहा है। ये स्कैनर में एक फॉल्ट कोड आ रहा है। ठीक है, ये फ्यूल टेम्परेचर सेंसर से रिलेटेड एक फॉल्ट कोड है। ये फॉल्ट कोड के वजह से स्टार्ट में प्रॉब्लम और दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके वजह से स्टार्ट ना लेने की दिक्कत नहीं होता है। ये फ्यूल फिल्टर का टेम्परेचर सेंसर में प्रॉब्लम होने के बाद में ये फॉल्ट कोड आ रहा है, लेकिन इसके वजह से स्टार्ट का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये नॉर्मल है। ठीक है, ओके, अब हम व्हीकल स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सिम्टम कैसा है वो भी आप लोग का देखेंगे। सबसे पहले इधर हमारे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कोई भी इंजन प्रॉब्लम से रिलेटेड का कोई भी इधर माल फंक्शन लाइट और इंजन का चेक लैम्प वगैरह कोई भी नहीं है। ठीक है, फिर भी ये व्हीकल स्टार्ट लेने में बहुत दिक्कत कर रहा है। ठीक है, ओके, मैं क्रैंक करता हूँ, सिम्टम कैसा है वो भी आप लोग का दिखाऊंगा। मैं क्रैंक कर रहा है ना, इधर हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कोई भी इंजन का चेक लैम्प वगैरह कोई भी नहीं है। ठीक है, फिर भी ये व्हीकल स्टार्ट नहीं ले रहा है। कभी कभी हमारा महिंद्रा बोलेरो पिकअप बोलेरो कैंपर में BS4 मॉडल में सर्विसिंग करने के बाद में ये ऐसे टाइप का प्रॉब्लम एक कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है, खाली सर्विसिंग करने के बाद ऐसे प्रॉब्लम देखने के एक कॉमन प्रॉब्लम मिलेंगे हम लोग का कभी कोई कोई व्हीकल में महिंद्रा का। ठीक है, आप लोग का मैंने इधर स्कैनर में दिखाऊंगा। हमने क्रैंकिंग करने के बाद में ये 1, 2, 3, 4 एक चार फॉल्ट कोड आ चुका है। ठीक है, हमने क्रैंकिंग करने के बाद में ये फॉल्ट कोड वगैरह आ चुका है। ठीक है, इसकी वजह से स्टार्ट ना होने का कारण नहीं है। ठीक है, ओके, अब हम चलेंगे हमारा लाइव डाटा में। लाइव डाटा में क्या चीज़ का फॉल्ट आ रहा है वो देखेंगे। ये आप लोग का खाली स्कैनर का जरूरत नहीं है, ऐसा प्रकार का फॉल्ट कोड आने के टाइम में वो स्टेप में बताऊंगा, जरूर वीडियो में बन रहे। अगर आप लोग मेरा इस चैनल में पहली बार विजिट किया है या तो अभी तक मेरा इस ऑटोमोटिव टेक्नीशियन नेपाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में आने वाला ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे ही ऑटोमोटिव रिपेयरिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। ठीक है, ओके, बनी रहे वीडियो के साथ में। क्या चीज़ का कारण से ये व्हीकल दिक्कत कर रहा है और स्टार्टिंग प्रॉब्लम ले रहा है वो आप लोग का मैं दिखाऊँगी। ठीक है, आसानी से और शॉर्टकट वे में। ठीक है, इस ऐसा टाइप का फॉल्ट आने के टाइम में और ऐसे टाइप का सिम्टम आने के टाइम में वो आप लोग का अगर स्कैनिंग भी नहीं है तो वो स्टेप से आप व्हीकल आसानी से स्टार्ट कर सकेंगे, लेकिन
मैंने स्कैनर लगा चुका है, तो स्कैनर से भी अच्छा से पता चलिए, उसलिए मैंने स्कैनर में दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ओके, अब हम चलेंगे हमारा लाइव डाटा में। मैंने लाइव डाटा सिलेक्ट किया, लाइव डाटा में अब हम देखेंगे स्टार्टिंग प्रॉब्लम। देखने के लिए हमने देखने के लिए एक वोल्ट बैटरी का वोल्टेज देखना पड़ेगा, ठीक है, दो इंजन आरपीएम, ठीक है, इंजन का आरपीएम कितना है वो देखना पड़ेगा, ठीक है, और दूसरा हमारा रेल प्रेशर, एक्चुअल रेल प्रेशर कितना है वो रेल प्रेशर देखना चाहिए, ठीक है। इतने देखने के बाद में हम आसानी से पता चलेंगे कि क्या चीज़ का दिक्कत से व्हीकल स्टार्टिंग नहीं ले रहा है और व्हीकल स्टार्टिंग में प्रॉब्लम ले रहा है, वो हम डिसाइड कर सकेंगे। ठीक है, वोल्टेज है, ठीक है, 12.5 वोल्टेज एंड इंजन स्पीड 0 है, तो ये बैटरी वोल्टेज और ये बैटरी वोल्टेज क्रैंकिंग के टाइम में 9 वोल्ट से नीचे नहीं गिरना चाहिए। देन इंजन स्टार्टिंग के लिए मिनिमम 180 से 200 तक का इंजन स्पीड चाहिए प्रॉपर हमारा व्हीकल के इंजन स्टार्ट होने के लिए। चलिए देखेंगे इंजन स्पीड और बैटरी वोल्टेज में, आप लोग देख रहे, मैं स्टार्ट करूँगा, देखा है ना, बैटरी वोल्टेज क्रैंकिंग के टाइम में 10 वोल्टेज से नीचे नहीं गिरा है, ठीक है, और इंजन स्पीड 200 से ऊपर है, ठीक है, 250 से ऊपर है, तो इसका मतलब बैटरी वोल्टेज और हमारा इंजन स्पीड व्हीकल इंजन स्टार्ट के लिए प्रॉपर ठीक है और काफ़ी है, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में हमारा रेल प्रेशर, इधर देख रहे हैं ना मीटरिंग यूनिट है, देन हमारा एक्चुअल रेल प्रेशर इधर 0, देख रहे हैं ना एक्चुअल रेल प्रेशर 0, ये हाफ पास कॉल में दिखा रहा है, ठीक है, ये बार में बताओ तो मिनिमम व्हीकल स्टार्ट होने के लिए 190 से 200 बार का प्रेशर होना चाहिए हमारा व्हीकल इंजन स्टार्ट होने के लिए, ठीक है, ये पास कॉल में है। आप लोग गूगल में कन्वर्ट करके ये पास कॉल और बार में कन्वर्ट करके देख सकेगा, ठीक है, ये एक्चुअल रेल प्रेशर ऊपर का है, ठीक है, ये ग्रीन ब्लू वाला, ठीक है, ये अभी 0 में है, तो क्रैंकिंग करने के टाइम में ये नीचे का ये रेल प्रेशर स्टेप पॉइंट दिखा रहा है ना, ये 317,793 पास कॉल होना चाहिए, ठीक है, अगर ये व्हीकल स्टार्ट होने के लिए। चलिए देखेंगे ये 317,793 होता है कि नहीं, 317793 इतना रीडिंग ऊपर आना चाहिए, ठीक है, रेल प्रेशर में इतना प्रेशर बार बनाना चाहिए ये व्हीकल स्टार्ट होने के लिए। ओके, देखेंगे रेल प्रेशर उठा रहा है कि नहीं है, मैं व्हीकल क्रैंक करता हूँ, आप लोग इधर एक्चुअल रेल प्रेशर में फोकस कर ही रहे, ठीक है, ओके, मैं क्रैंक करूँगा। क्रैंक करने के टाइम में हमारा एक्चुअल रेल प्रेशर बना रहा है 7,062, ठीक है, इतना रेल प्रेशर से हमारा इंजन स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, फिर एक बार ट्राई करूँगा, 7,000 से ऊपर नहीं जा रहे, अभी 0, फिर व्हीकल ऑफ किया, देन फिर एक बार ट्राई करूँगा, ओके, फिर एक बार ट्राई करूँगा हमारा रेल प्रेशर कितना उठा रहा है, फोकस कर रहे एक्चुअल रेल प्रेशर में, मैंने माउस इधर ही लगा दूंगा, मैंने क्रैंक किया, हमारा अभी रेल प्रेशर फिर भी 7,000 से ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है, 7,000 पास कॉल से ऊपर नहीं जा रहा है, इतना रेल प्रेशर से हमारा व्हीकल स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे का इंजन कंपार्टमेंट में क्या कारण से, क्या वजह से हमारा व्हीकल में एक्चुअल रेल प्रेशर नहीं पुग रहा है, ठीक है, ये व्हीकल हमारा रेल प्रेशर ना पुगने के वजह से स्टार्ट नहीं ले रहा है, ठीक है, इसका पीछे का कारण क्या है वो भी आप लोग को बताऊंगा, क्योंकि ये व्हीकल ऑलरेडी सब कुछ ओके था स्टार्टिंग में और पिकअप में माइलेज में सब कुछ अच्छा था, ये रेल के अंदर, ठीक है, ये कॉमन रेल के अंदर में 190 से 200 बार का रेल प्रेशर बनना चाहिए व्हीकल स्टार्ट होने के लिए। व्हीकल सर्विसिंग करने के बाद में स्टार्ट ना होने के कारण और इसका पीछे का कारण क्या है, तो ठीक है, ये क्या कारण से क्या वजह से ये स्टार्ट नहीं कर रहा है, खाली सर्विसिंग करने के वजह से, ठीक है, वो आप लोग को दिखाऊंगा, ठीक है। डायग्नोस करने के लिए अगर आप लोग के पास में
डीटीसी स्कैनर नहीं है और स्कैनिंग नहीं है तो कार स्कैनर और स्कैन टूल नहीं है तो एक सिम्टम बेस के आधार से भी आप लोग डायग्नोस कर सकेंगे, ठीक है। और कैसे तरह का सिम्टम दे रहा है व्हीकल ने, ठीक है, कैसे तरह का और लक्षण दे रहा है, वो सिम्टम के थ्रू भी आप आसानी से डायग्नोस कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे पास तो स्कैनर था, स्कैनर में भी आप लोग का मैंने दिखाया, ठीक है। अगर आप लोग के पास स्कैनर नहीं है तो वो एक सिम्टम के आधार से भी आप लोग वो व्हीकल का आसानी से डायग्नोस कर पाएंगे, ठीक है। ओके, आप लोग का दिखाऊंगा क्या कारण से हमारा रेल के रेल में प्रेशर नहीं बन रहा है, ठीक है। ये व्हीकल स्टार्ट ना होने के कारण एक मैकेनिकल फॉल्ट है, ठीक है। इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रिकल इश्यू नहीं है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम है मैकेनिकल फॉल्ट, ठीक है। चलिए अब हम सीधे फॉल्ट में जाएंगे, ठीक है। सीधे फॉल्ट में जाएंगे। ये व्हीकल में रेल में प्रेशर ना बनाने के कारण और रीजन ये हमारा फ्यूल इंजेक्शन हाई प्रेशर पम्प है, ठीक है। ये फ्यूल इंजेक्शन हाई प्रेशर पम्प ने इसने फ्यूल का प्रेशर नहीं बना पा रहा है, ठीक है। उसके वजह से ये व्हीकल स्टार्ट नहीं हो रहा है। अगर आप लोग के पास में स्कैनर नहीं हो वो पैरामीटर में देखने के लिए रेल प्रेशर, एक्चुअल रेल प्रेशर व्हीकल ने कितने बना रहा है वो दिखाने के लिए, वो देखने के लिए आप लोग के पास में स्कैनर नहीं है तो ये कॉमन रेल में जाने वाला एक पाइप है ना, ये फ्यूल इंजेक्शन हाई प्रेशर पम्प का ये पाइप 17 नंबर का पाना से खोलना चाहिए। उसके बाद में ये व्हीकल इग्निशन ऑन करने के टाइम में वो पीछे का फ्यूल टैंक का मोटर ने कितने प्रेशर ने इसमें फ्यूल का प्रेशर डिलीवर कर रहा है वो भी देखना चाहिए, ठीक है। अगर फ्यूल टैंक का प्रेशर डिलीवर प्रॉपर ओके है तो ये स्टेप होना चाहिए, दूसरा स्टेप इसमें जाने चाहिए, ठीक है। ये 17 नंबर के पाना से खोलने के बाद में आप लोग एक बंद को और एक दोस्त को क्रैंक करने के लिए लगाइए। उसके बाद में क्रैंक करने के टाइम में ये ओनली ऐसे ये फ्यूल का प्रेशर ये बंद कर नहीं सकेंगे, ठीक है। उतने तक का प्रेशर बनेगा, ये उतने तक का फ्यूल प्रेशर बनाएगा ये फ्यूल इंजेक्शन हाई प्रेशर पम्प ने, ठीक है, वो होना चाहिए, ठीक है। अब खाली ये फ्यूल इंजेक्शन पम्प ने प्रेशर नहीं बना पा रहा है, ठीक है। कभी कभी हमारा महिंद्रा व्हीकल में कोई महिंद्रा का BS4 मॉडल का व्हीकल में सर्विसिंग करने के पीछे का कारण और स्टार्टिंग ना होने के कारण इसी में होता है, ठीक है। वो सर्विसिंग करने के टाइम में ये फिल्टर रिमूव करेगा, उस टाइम में इसमें एयर घुसेगा और एयर घुसने के बाद में इसका अंदर में एक प्लंजर होता है, ठीक है। ये फ्यूल का प्रेशर बनाने के लिए डेवलप करने एक प्लंजर होता है, वो प्लंजर में थोड़ा सा एयर की वजह से और थोड़ा सा कोई ठीक है उसमें कोई डस्ट वगैरह जाएगा तो या एयर जाएगा तो ये अंदर का इसका ये फ्यूल इंजेक्शन हाई प्रेशर पम्प के अंदर एक प्लंजर स्ट्रोक होगा, ठीक है। उसी की वजह से हमारा रेल में प्रेशर नहीं बनेगा और रेल में प्रेशर नहीं बनने के बाद में स्टार्टिंग भी नहीं होगा, ठीक है। ओके, अब हम एक चुटकी में ये व्हीकल का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करने के लिए एक बंदा को, एक दोस्त को और एक साथी को अंदर स्ट्रिंग में जाके क्रैंक करना लगाना चाहिए, ठीक है। ओके, एक आदमी को हम क्रैंक करने के लिए बोलेंगे, जाने तो जाइए, हम तो देखेंगे, हम हेड मिस्त्री है इधर, ऑब्जर्वेशन में भाई रेडी हो दाई, गियर रेडी हो ल पकने। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे एक ही चुटकी में, ठीक है। इसमें हमारा फ्यूल इंजेक्शन हाई प्रेशर पम्प के अंदर का प्लंजर स्ट्रोक हुआ है, उसके लिए एक वाइब्रेशन करना चाहिए। उसके लिए एक थोड़ा सा ये हैमर लिया हूँ, ठीक है। ये हैमर की मदद से और कोई भी थोड़ा ओल्ड टूल सूस ने आप मार सकता है, लेकिन जोर से नहीं है, ठीक है। जोर से मारने के बाद में ये फ्यूल इंजेक्शन पम्प भी खराब हो सकता है, ठीक है। ओके, एक दोस्त को हम स्टार्ट करने के लगेंगे, स्टार्ट करने के टाइम इसमें थोड़ा सा मारेंगे। ओके, मारिए स्टार्ट, क्रैंक करिए ना, एक ही ले रहा है ना, एक ही चुटकी में हमने स्टार्ट कर दिया। ये एक जादू है, ठीक है। आप लोग ने देखा ही होगा, ठीक है। एक ही चुटकी में हमने ये व्हीकल का स्टार्ट करा, क्योंकि कुछ कोई टाइम में ऐसी तरह का फॉल्ट से ऐसी प्रॉब्लम आने के बाद में कोई कुछ टेक्नीशियन लोग रास्ता डायग्नोसिस के रास्ता भटक सकता है, ठीक है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने के मकसद उसी कारण है, ठीक है।
ये वीडियो बनाने का रीजन ये भी है कि कोई टेक्नीशियन लोग के पास में स्कैन टूल नहीं है, तो आप लोग का ये वीडियो से हेल्प हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने वीडियो बनाने की कोशिश किया, कि बोलने में भी नहीं आता है, ठीक है। कुछ मेरा व्यूअर और सब्सक्राइबर लोगों ने कुछ हिंदी में भी वीडियो बनाए बोल रहा था, इसलिए मैंने हिंदी में वीडियो बनाने की कोशिश किया, ठीक है। इस वीडियो आप लोग का मेरा ये वीडियो क्या कैसे लगा, ठीक है। अच्छा लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रतिक्रिया कीजिए। और चैनल में पहली बार आया हो या तो अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके साथ में आने वाला ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे ही ऑटोमोटिव रिपेयरिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सबसे पहले आपको मिलते रहे। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।